और चलिए इसी बीच शुरू कर देते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नुहू, फरीदाबाद, पलवल के कुछ इलाकों में नुहू हिंसा के बाद मुस्लिम समाज का एक बड़ा फैसला, गुरुग्राम में खुले में नहीं पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुस्लिम एकता मंच की तरफ से यह ऐलान किया गया है, घरों में ही जुमे की नमाज पढ़ने का फैसला लिया गया है। नुहू हिंसा के बाद मुस्लिम समाज ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से नुहू के बाद फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में जो हिंसात्मक घटनाएं सामने आई, उसको लेकर के अब मुस्लिम एकता मंच की तरफ से ये फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नूह से सटे हुए इलाकों में भी घटनाएं सामने आई थी, उसी के बाद अब ये फैसला मुस्लिम समाज की तरफ से लिया गया है। अब खुले में कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, गुरुग्राम में खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुस्लिम एकता मंच की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, इस बात का ऐलान किया गया, अपने समाज के लोगों से अपील की गई है कि घरों में ही नमाज पढ़ें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नुहू हिंसा के बाद मुस्लिम समाज ने बड़ा फैसला लिया है। नुहू में हुई हिंसा के बाद अब गुरुग्राम में इसका असर देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम की बात करूं, शीतला कॉलोनी में इस समय मौजूद हूं, करीबन 100 से 150 जो परिवार है वो यहां से पलायन कर गए। आप देख रहे हैं घरों के बाहर जो ताले हैं वो लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ मैं बात करूं, जो हम बात करें मुस्लिम समाज के जो नेता हैं, वो लगातार अपने समाज के लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि जो जुम्मे की नमाज है वो अपने घर के आसपास ही पढ़ें। धारा 144 लागू की गई है, और जिस तरीके से हालात बने थे उसके बाद लगातार वो सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से अपील कर रहे हैं। मेरे साथ हाजी शहजाद खान साहब हैं, मैं उन्हीं से जानता हूँ। खान साहब, कल जुम्मे की नमाज है, उसको लेके किस तरीके से आप लोगों से अपील कर रहे हैं, और किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं उस घटनाक्रम के बाद? नहीं, मैं राठौर साहब के नाम का हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से सभी लोगों को ये एक अपील करता हूँ कि कल क्योंकि जुमे की नमाज है, जिस कॉलोनी के अंदर, जिस सेक्टर के अंदर, जिस महल्ले के अंदर मस्जिद है 200-300 मीटर तक, वहाँ वो नमाज पढ़ें। अगर वह आज एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी या दूसरे सेक्टर आने की जरूरत नहीं, वहीं पर एक कोई जगह सुरक्षित देख के 10-5 आदमी जुमे की नमाज पढ़े, क्योंकि जुमे की नमाज ज़रूरी है, इसलिए क्या नाम है, कहीं बाहर ना निकले और आसपास में ही इकट्ठे होकर नमाज पढ़े। हम बात करें, जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाई है, और साथ ही साथ पुलिस से क्या आप प्रोटेक्शन की भी मांग करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हालात बने हुए, 31 तारीख के बाद जो नुह में घटना हुई है उसकी तो हम कड़े शब्द में निंदा करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। और फिर उससे ज्यादा बुरा हाल जो गुड़गांव में बिल्कुल सोते हुए लोगों पर, धर्म स्थलों पर और बंद दुकानों पर, होटलों पर जो आगजनी हुई है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद में सरकार ने, पुलिस ने यहाँ लोगों से अपील की है कोई भी बाहर ना जाए, लेकिन जो लोग भयभीत हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, 70-80% लोग यहाँ से जा चुके हैं। और अगर बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर की, तो इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर जो है ना बिल्कुल ठीक है। जिस हिसाब ने अपील की है, क्या नाम है, कि हमें जिस तरह जितनी सुरक्षा आप चाहो उतनी सुरक्षा हम दे सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से भयभीत होकर बाहर ना जाएं। जो जिन लोगों ने यहाँ से प्लान किया है उनसे क्या आप अपील करते हैं, क्योंकि हालात जो हैं अभी सामान्य हो, जिला प्रशासन भी कह रहा है, साथ ही साथ सरकार भी कह रही है कि प्रदेश के साथ साथ यानी कि नुहू और गुरुग्राम के जो हालात हैं वो अब सामान्य बने हुए हैं, और जो पुलिस है वो आप लोगों की सुरक्षा में खड़ी है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार या प्रशासन यही कह सकता है, क्या नाम है, क्योंकि आपको हाथ पकड़ के वो तो कोई रोकेगा नहीं, लेकिन जो लोग भयभीत हो हैं वो चले गए यहाँ से, लेकिन कहीं ना कहीं सेक्टर 66, 67, 70 वहाँ पे जो रोहिंग्या, बांग्लादेश के जो झुग्गी वाले मुसलमान थे उनको जबरदस्ती निकाला जाए, पूर्ण है, सरकार को उस तरफ भी नजर रखनी चाहिए, और जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। रही भाई यहाँ के लोकल पॉपुलेशन, लोकल हिंदुओं की बात, तो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, और वो भी अपील कर रहे हैं कि यहाँ से कोई बाहर ना जाए और प्लान करने की कोशिश ना करे। आप एक मुस्लिम नेता हैं, क्या मुस्लिम समाज के जो लोग हैं प्लान किया, क्या उनसे अपील कर रहे हैं कि वो वापसी आएगा हालात सामान्य? नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके अपने मकान आते हैं, कारोबार है, बिजनेस है, वो माहौल शांत होने के बाद में वापस आएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ से जाने की जरूरत नहीं, यहाँ की सरकार, यहाँ के लोकल लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हुए, यहाँ भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और डीसी साहब बार बार गुहार कर रहे हैं कि यहाँ से किसी को जाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं पर रहे, और जो लोग चले जा चुके हैं वो फौरन वापस आए। अंतिम ये दोनों यानी कि दो समुदाय के बीच जो झगड़ा, उसमें क्या अब आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? राठौर साहब, मैंने पहले ही कहा है, क्या नाम है, कि जो नुह में हुआ है बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो गुड़गांव शांत है, गुड़गांव के अंदर कभी भाईचारा खराब नहीं हुआ है, वो यहाँ पर जो माहौल खराब करने की कोशिश की है उनके खिलाफ भी लगाम कसी जाए, क्योंकि गुड़गांव का लोकल लोग इस तरह की हरकत नहीं करते, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, युवा हैं, उन पर कहीं ना कहीं
नकेल लगाई जाए। तो बिल्कुल, ये थे मेरे साथ हाजी सजाद खान, जिन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे अपील की है कि जो जुम्मे की नमाज है वो अपने घर के आसपास ही पढ़े। हालांकि इस समय मैं शीतला कॉलोनी के वो घर दिखा रहा हूँ, वो कॉलोनी दिखा रहा हूँ जहाँ पर अधिक जो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्होंने प्लान कर दिया 31 तारीख की जो ये घटना हुई थी नूह के अंदर, उसके बाद तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ से प्लान करते नजर आ रहे हैं। और हाजी सजाद खान ने भी लोगों से यही जो है अपील की है, गुहार की है कि तमाम जो लोग हैं, या फिर गुरुग्राम और नूह की बात करूं, हालात सामान्य है, तमाम जो लोग हैं वो अपने घर वापसी लौटें और अपने जो कार्य हैं उनको सुचारू रूप से कराया जाए, और साथ ही साथ जो जुम्मे की नमाज है वो अपने घर के आसपास ही पढ़ें, क्योंकि धारा 144 पर हम बात करें प्रशासन के द्वारा लगाई गई है। कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर।